क्या आप भी संतरे खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं? पर मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये संतरे के छिलके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं आज बनाने वाली हूँ इन संतरों के छिलकों से बहुत ही बढ़िया साबुन, जिससे हमें मिलेगा गोरा निखार और साथ ही कालापन और पिगमेंटेशन से छुटकारा। ये साबुन इतना बढ़िया बनता है कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसे हमें घर में बनाया है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए देखते हैं इस साबुन को मैंने कैसे बनाया है। तो इस साबुन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर संतरे के छिलकों का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर 4 संतरे ले लिए हैं और इन सभी के छिलकों को हमें उतार लेना है। अक्सर हम लोग जब संतरा खाते हैं तो उसको खा के उसका छिलका जो है वो फेंक देते हैं, पर ये जो छिलके हैं ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, संतरे सारे छील लिए, उनके छिलकों को निकाल लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर ये सारे संतरे के छिलके डाल देंगे और इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के डालना है, नहीं तो ये पिसेगा नहीं। छोटे छोटे पीसेस कर लें, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है गुलाब जल। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पानी डालने से ये जो साबुन बनेगा ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुलाब जल मैंने इसमें ऐड किया है और इसे मैं पीस कर लाती हूँ। इसे हमें जितना कोशिश हो उतना ज़्यादा बारीक पीसना है, तो बहुत ज़्यादा तो बारीक नहीं होता है, क्योंकि हमें इसका पतला पेस्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। मैं अभी आपको बताऊँगी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा पेस्ट मैंने तैयार किया है। बहुत ज़्यादा गुलाब जल का इस्तेमाल नहीं करना है, सूखा सूखा सा पेस्ट हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला अगर तैयार कर देंगे तो आपका साबुन बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से मैं इसे निकाल के अभी साइड में रख देती हूँ। तब तक हमें एक काम करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सोप बेस। सोप बेस एक तरह का साबुन होता है जिसके अंदर कोई भी फ्लेवर, कोई भी कलर, कोई भी कुछ भी नहीं होता है। सिंपल प्लेन साबुन होता है जिसे हम अलग अलग तरह के साबुन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। तो ये एक बेस होता है साबुन का, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिलाकर अपने हिसाब से साबुन तैयार कर सकते हैं। ये आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि अगर आप सोप बेस नहीं यूज़ करना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते तो आप क्या ले सकते हैं। मैंने यहां पे सोप बेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक साबुन के लिए मैं हमेशा 100 ग्राम सोप बेस का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे साबुन अच्छे से सेट हो। तो यहाँ पे एक पैन में पानी गरम कर लेंगे, जिसके अंदर हमें ये बाउल रखना है। आप मैंने यहाँ पे कांच का बाउल इस्तेमाल किया, आप चाहे तो यहाँ पर स्टील का कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये सोप बेस डाल देंगे और जैसे जैसे पानी उबलेगा ये सोप बेस हमारा पिघलता जाएगा। ध्यान रखिएगा, पानी सोप बेस के अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर चला जाएगा तो साबुन अच्छे से सेट नहीं होगा। तो गैस को धीमी कर दें अगर पानी में ज़्यादा उबाल आ रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी, ये जो साबुन है, ये जो सोप बेस है, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, एकदम पानी की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे सोप बेस अच्छे से पिघल चुका है। अब इसके अंदर हमें ये संतरे के छिलके मिलाने, जिसे हमें पीस के रखा था। तो यहाँ पे जितना भी है सब मैं मिला रही हूँ। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सोप बेस है वो आपका ये जो अपने संतरे के छिलके लिए ना, उससे डबल होना चाहिए। अगर आपका जो सोप बेस कम है और संतरे के छिलके ज़्यादा हैं तो साबुन अच्छे से सेट नहीं होगा, वो सॉफ्ट रह जाएगा। तो सोप बेस हमेशा डबल क्वान्टिटी में लें, तभी आपका साबुन अच्छे से बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी बड़े टुकड़े वगैरह ना रहें, कोशिश करें कि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल डाला है, बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल भी इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो साबुन सेट नहीं होगा।
दो विटामिन ई के कैप्सूल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हम फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लें, तो वो कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि उससे साबुन जल्दी ख़राब हो जाता है, स्मेल आने लगती है। पर अगर मार्केट वाला नहीं है तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है। अब यहाँ पर मुझे कुछ एलोवेरा जेल के लम्ब्स दिख रहे हैं, टुकड़े दिख रहे हैं, तो मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से मैश कर देती हूँ ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। तो इस तरह से बस चम्मच की सहायता से हमें इस तरह से मिक्स कर देना है, कहीं पे भी आपको मोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं। हमारा जो ये जो मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई भी मोटे टुकड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये हमारा बेस तैयार हो गया है। मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलाई हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये सोप मोल्ड लिया है जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगाया, ये 3D में है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और अगर आप सोप मोल्ड ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इसमें साबुन जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है, बस इस मिक्सचर को आपको इन मोल्ड्स में डाल दें ना है। और अच्छे से मैं इसे भर देती हूँ। अब क्या है, ये जो लास्ट वाला ये बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं इसे थोड़ा सा ही डाल देती हूँ, एक पतला सा साबुन बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी वेस्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने आप सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए साबुन कितने अच्छे से सेट हो चुका है, मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन आया है, साबुन बहुत अच्छे से सेट हुआ है। और ये 3D डिज़ाइन है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इस टाइप के साबुन बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और मार्केट में भी आपको इसी तरीके से मिलते हैं और जिनको देख के आप खुश हो जाते हैं, बट उनके अंदर ओरिजिनल चीज़ें नहीं होती हैं, सब केमिकल्स का यूज़ होता है जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरह से जब आप घर पर साबुन बनाते हैं, आपको पता है कि आपने इसके अंदर क्या मिलाया है और क्या चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा करने वाली है। आपके कलर को भी ये साफ़ करेगी, आपके पिगमेंटेशन को दूर करेगी, क्योंकि जो संतरा है उसके अंदर विटामिन सी होता है, और विटामिन सी कलर को साफ करने में मदद करता है, धीरे धीरे पिगमेंटेशन को हल्का करता है, कहीं पे भी कालापन है उसे धीरे धीरे कम करता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा साबुन झाग नहीं देता है, तो उसका भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मैं लगा रही हूँ अपने हाथ पे। आपके सामने ये देखिए बहुत अच्छे से झाग देता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर साबुन बहुत अच्छे से सेट हुआ है तो झाग भी बहुत अच्छे से देगा और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे से देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं इसे यूज़ करके दिखा रही हूँ कितना बढ़िया झाग दे रहा है। मैं इस तरह के साबुन बहुत तरीके के अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरह के साबुन बनाना, कैसे बनाते हैं, तो मैं बहुत तरीके के साबुन शेयर करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मेरी कोई साबुन की वीडियो आए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सोप बेस नहीं है तो क्या करें, तो इस तरह का पियर साबुन मिलता है मार्केट में, आप इस तरह से पियर साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर किसी और साबुन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे साबुन नहीं बनेगा।